सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। सफ़रनामा के इस सफ़र में आपको लिए चलते हैं एक ऐसी कैंटीन जो गांव के अंदर है, बहेड़ा गांव है। ये देखो छोटी छोटी ये रास्ते हैं, ये हाईवे से रास्ता जो है नीचे उतर कर आ रहा है गांव के अंदर, बहेड़ा के अंदर। ये गलियां, ये बहुत बहुत संकरा रास्ता है, लेकिन आप जब पार्क में पहुंचेंगे, उस वृंदा पार्क में, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इन गलियों के अंदर से चलते हुए बिल्कुल लास्ट में जाके गांव के जब छोर एक ख़त्म हो जाता है गांव का, तो वहां पे जो है ये वृंदा पार्क जो है स्थापित है, जहां एक बहुत ही सुंदर एक पिकनिक स्पॉट है जो यहाँ के श्री विजय प्रताप सिंह जी ने एक पार्क, हर्बल पार्क बनाया है। उसमें पेड़ पौधे और सब कुछ है, और उसमें एक कैंटीन है। यहाँ पे दूर दूर से लोग जो है इस तरफ घूमने जब आते हैं तो इस पार्क का आनंद भी लेते हैं, और साथ में ये देखिए ये सामने ये पार्क आ गया, वृंदा पार्क है ना। अब हम पार्क के अंदर जो है एंटर करेंगे। ये देखिए ये वृंदा हर्बल पार्क, बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है, खूबसूरत स्थान है, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आकर। ये जैसे हम अंदर जाएंगे तो दाहिने हाथ पर जो है एक कैंटीन बनी हुई है, और वो कैंटीन ऐसी है कि जहाँ हर तरह के जो है स्वादिष्ट व्यंजन जो है आपको मिलेंगे, वो भी चटखारे वाले, चाहे वो टिक्की हो, गोलगप्पे हो, मोमो। इस वक्त मैं यूपी के गांव बहेड़ा में हूँ और यहाँ की वृंदा कैंटीन में हूँ, जो एक गांव के अंदर स्थापित है, और एक हर्बल पार्क है बहुत ही सुंदर। और इस कैंटीन में जो है खाने एक से एक हैं, मतलब चटखारे वाले, मज़ेदार। अभी मोमोज तैयार किया जा रहा है, ये बना रहे हैं मोमोज की तैयारी कर रहे हैं। इनके आज का समोसा भी खा चुका हूँ सुबह में, अरे मज़ेदार समोसा था। समोसा जो है कई जगह मतलब ऐसा दिखता है ना, अंदर कच्ची कच्ची आटा दिखता है, वो क्रिस्पी नहीं होता, मतलब कड़क नहीं होता। तो तुम्हारे समोसे में वो चीज़ नहीं थी। एक तो मसाला आलू का जो बना था समोसे के अंदर, वो टेस्टी तो था ही, पर वो एकदम पापड़ी की तरह, मतलब बहुत क्रिस्पी था समोसा। अब समोसे भी अभी मेरा खत्म हो गए होंगे, अभी दोबारा बनेंगे, है ना। और बर्गर 30 रुपये का, आलू टिक्की 20 रुपये की, बहुत ही सस्ता है। और मुझे तो ये जो इसकी जो जो इसका जो भरावन है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको मोमोज का मसाला है, मोमोज का जो मसाला है वो इतना सुंदर लगा है, इतना टेस्टी है। इसमें कई तरह के मसाले और सोयाबीन का चूरा और क्या है पत्ता गोभी, और कई तरह के मसालों के साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि साफ सफाई से जो है यहाँ हर चीज़ तैयार होती है। और रेट ओए होए मत पूछो, कितने रखा हुआ रेट मोमो? 20 रुपये के 10 पीस है। 20 रुपये के 10 पीस, 20 रुपये के 6 पीस हैं, 30 के हैं 10 पीस, 30 रुपये के 30 रुपये के 10 पीस। हाँ ठीक है, सस्ता है। और सबसे बड़ी बात है इतनी साफ सफाई से, हमारे वहाँ तो पता नहीं मोमोज कौन कौन से फैक्ट्री में बन के आता है, कहाँ कहाँ से आता है। ये तो बिल्कुल अभी हाथों हाथ बनाया जा रहा है, इसकी मेकिंग की जा रही है ना। मसाला भी यहाँ तैयार है, साफ सफाई है, मोमोज की तैयारी हो रही है। इसमें भर रहे हो ना, ये ताज़ा मोमोज बनाए जा रहे हैं। है ना, अच्छे बन रहे हैं ना। तुमने मोमोज गेहूँ बेचे हैं, मिले थोड़ी है, तो बात कर रहा है। ताज़ा मोमोज जो है भाई बेचे की तो बात कर रहा है। हाँ तो बात कैसे नहीं है, 15-20 मिनट लगते होंगे एक है, एक बार जो है कितने इकट्ठे 30। हाँ ये अभी बना देंगे थोड़ा, आध घंटे में, सारे 30 मिनट लगेंगे, है ना। और बैठने का जो स्थान है वो भी बड़ा मज़ेदार है, ये देखते हैं। ये है यहाँ की कैंटीन, ये गांव के अंदर की है। इस
बहेड़ा गांव। हाँ, इस पूरे एरिया को देवनगरी बोला जाता है। और बहुत ही अंदर देखो सफाई और इसकी, अंदर बैठे तो मन करता है। ये जो है सामने काउंटर है, ये वृंदा कैंटीन, ये तैयारियां भी चल रही हैं। 4 बजे के बाद जो है सारी तैयारियां हो जाएंगी, है ना। ये इस कैंटीन को संभालते हैं, आइए। इनका मेन्यू कार्ड, सब चीज़ उपलब्ध है। ये देखो समोसा 15 रुपए के, 2 टिक्की 20 के, 1। रेट जो है बड़े अच्छे रखे हुए हैं आपने, है ना जी सर। जो यहाँ के जो आसपास के क्षेत्र से भी लोग आते होंगे बहुत सारे सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम उमा सिंह सेंगर। उमा सिंह सेंगर। सेंगर, अच्छा अच्छा। तो आप तो काफ़ी समय से होंगे ना इस कैंटीन में? हाँ, काफ़ी समय से। तो आपका मुख्य कार्य क्या रहता है कैंटीन में? मेरा ये मैनेजमेंट देखते हैं सर। टोटल मैनेजमेंट देखते हैं। आपका साहब बड़ा अच्छा है, आव भगत में लगा रहता है सबकी, है ना। बड़ा प्यार मोहब्बत, और साफ सफाई की जो व्यवस्था है ना जी, वो बड़ी अच्छी है। तो कितना लोग आ जाते होंगे यहाँ डेली? डेली लगभग वही पार्क में हमारे कम से कम 500 लोग आते हैं। 500 लोग, और संडे ज़्यादा भीड़ रहती है? संडे सैटरडे और 800-900 लोग संडे से। और आसपास तो सारे गांव ही गांव हैं, और गांव के अंदर जो है आपने जो है गांव से भी और शहर का जो है, शहर का भी वातावरण जो है यहाँ दे दिया जी सर। तो मुझे लगता है शहर से भी कहीं ना कहीं हाईवे से निकल के लोग पता करते करते आ जाते होंगे, क्योंकि आज मैंने कुछ दिल्ली की 1-2 गाड़ियाँ देखी, और दिल्ली है, पंजाब से भी देखे मैंने आज। पंजाब है और कानपुर है, यहाँ से लोग बहुत सारे लोग आते हैं। रेट आपने बड़े सस्ते रखे हुए हैं जी सर, है ना, सबकी पहुंच में। 10 रुपए के 6 गोलगप्पे और शायद मुझे लगता है वो 20 रुपए के गोलगप्पे खा के पेटी भर जाएगा जी, तो फिर दूसरे आपके खाने की डिमांड नहीं करेगा। नहीं, वो भी करते हैं लोग। विजय प्रताप सिंह जी सेंगर जी ने जो है इस पार्क को जो है स्थापित किया, समाज सेवी हैं, और सामने जो है उन्होंने मंदिर का भी पुनरोद्धार कराया। मंदिर का भी, मंदिर में जो है उसकी भी टेंपल उन्होंने बनवाए, 2 मंदिर बनवाए उन्होंने, है ना, एक कृष्ण जी का और एक शंकर जी भोलेनाथ भोलेनाथ, वहाँ उस पर चांदी भी मड़ी हुई है, चांदी मड़ी हुई है ना। ऊपर राधा कृष्ण जी की मैं देख के आया, बहुत ही बढ़िया है, वो दोनों उन्हीं ने बनवाए। तो देखिए मतलब जंगल में जो है मंगल का रखा है ये, अब लोग आना भी शुरू हुए हैं। और यहाँ जो है ये चाउमीन जो है बड़ी ही साफ सफाई से बन रहा है। क्या नाम बेटा? अमन। अमन, अमन बना रहे हैं चाउमीन। और क्या क्या बना लेते बेटा? चाउमीन, टिक्की, डोसा, बर्गर। बर्गर क्या रेट रखा है? सादा 30 रुपये का। पाव भी बढ़िया रखा हुआ है, पाव तो मैंने खाली टेस्ट किया था सुबह, अच्छा है। कितने बजे तक रहती है ये कैंटीन? मतलब 10 से 10 है, सुबह 10 से 10 बजे तक ये कैंटीन रहती है। ये गोलगप्पे का पार्क, ये गोलगप्पे का काउंटर है, आ जाओ भाई। ये है पानी, वाह, हेलो, मजेदार है पानी यार, थोड़ी रुपये ज़्यादा नहीं। ये पनीर डोसा जी, बस बस मामी खोल देते हैं। इसका क्या रेट रखा है? 60 रुपये। वेस्ट तो नहीं गए? अब वो सामान टेस्ट करिए ना, तो बताइए तो सही है।
अच्छा, ये मटर ऊपर अजीत माल अल्लाह जो अगर इधर क्षेत्र में किसी के यहाँ आया कोई घूमने, चाहे दिल्ली से आया, कहीं कहीं जयपुर से आया, तो वो इधर जरूर आएगा घूमने। फैमिली भी काफी दूर दूर से आती है, इटावा, जसवंत नगर। ये टिक्की आ गई, वाह, सजावट इसकी अच्छी की गई है। इसमें प्याज, गाजर, मटर और ये सेब भी डाले। आपका शुभ नाम? सोनू सेंगर। सोनू सेंगर, अच्छा वो आपके बड़े भाई हैं? हाँ हाँ, है? वो मामा लगते हैं। अच्छा, तो जो है सभी यहाँ सेंगर हैं जी हाँ। कैंटीन में? हाँ। तो आप के लोग हैं? सब परिवार के लोग। हाँ, सब परिवार के। और विजय जी आपके क्या लगते हैं? चाचा जी, मतलब पूरे परिवार को भी जो है यहाँ जुड़ा हुआ है ना जी। तो आप मुख्य काम क्या रहता है कैंटीन में? काम तो यही अपने देखा वाली, किसी को अब कोई बनना है टिक्की की तो बना देते, जो और कोई काम आ गया वो भी अच्छा, कर देते हैं। मतलब सभी घर की तरीके से, कोई ये नहीं। हाँ, जैसे घर में काम करना है। अच्छा, फिक्स नहीं है कि कुछ भी जो है कैंटीन से जुड़ा हुआ काम कर ले। कहीं मार्केट का काम है तो मार्केट भी चले गए, इटावा काम है इटावा भी चले गए, काउंटर पे नहीं है कोई, काउंटर पे बैठ गए। नहीं, सबसे बड़ी बात है आप लोगों ने ना इसकी साफ सफाई का जो साफ सफाई का तो विशेष ध्यान, उनका कहना है चाचा जी का साफ सफाई पे मतलब बहुत विशेष ध्यान रखो, अगर उन्हें खुद गंदगी पसंद नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई इतना प्रॉफिट भी नहीं रखा है। हाँ, बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना नो प्रॉफिट नो लॉस वाला मामला है, वही चल रहा है अभी। तो प्रॉफिट तो नहीं है फिलहाल, अभी तो हल्का ही चल रहा है अभी तो, जब मान ले हल्की फुल्की लॉस ही में हो सकती वैसे अभी ज़्यादा। लेकिन वही नहीं, जो रेट रखे हैं वो बराबर ही है ना। हाँ हाँ, ना रेट ऐसे है, कोई ज़्यादा भी नहीं है तो आदमी मतलब गरीब है वैसा है, अच्छा सब लोग खा भी सकते हैं। हाँ, ये है। अच्छा, थैंक यू जी। कहाँ जा रहे हो दुबे जी? अब जब चक्कर लगे नल को तो इधर बहेड़ा गाँव जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आएंगे। ये है गांव की कैंटीन, पार्क में लोगों का जो है आना भी शुरू हो गया है। ये तो मित्रों, ये एक बहुत बढ़िया स्थान है, जब आपका मन हो यहाँ घूमने आया जा सकता है। आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा। जय रंगमंच।